हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे एक हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट बनता है, कैसे एक हाई क्वालिटी बर्तन वॉश बनता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, लिक्विड वॉश बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी। हमें एक छोटे बीकर के अंदर अराउंड 2 लीटर तक डीमिनरलाइज वाटर लेना होगा और बड़े बीकर के अंदर 3 लीटर तक डीमिनरलाइज वाटर लेना होगा। उसके बाद जो हमारा मेजर इंग्रेडिएंट है वो है एसिड स्लरी, जो कि हमें 500 ग्राम तक जरूरत होगी। इसे हम लापसा भी कहते हैं। इसके बाद जो अदर मेजर इंग्रेडिएंट है वो है कास्टिक सोडा, जो कि हमें 100 ग्राम तक जरूरत होगी। इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो है TSP, जिसे हम ट्राई सोडियम फॉस्फेट कहते हैं। इसे हमें 80 ग्राम तक जरूरत होगी। यूरिया, जो कि हमें 100 ग्राम तक जरूरत होगी। और सॉल्ट, जो कि हमें 20 ग्राम तक जरूरत होगी। और एक स्टीरिंग रॉड। और हम चाहें तो हमारे लिक्विड वॉश में एक फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं और एक कलर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो एक अच्छा प्रेजेंट हुए, अच्छा दिखे और उसमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विधि से हम 5 लीटर लिक्विड वॉश प्रिपेयर करेंगे। हम सबसे पहले हमारे 3 लीटर डीमिनरलाइज्ड वाटर वाले कंटेनर में हमारी एसिड स्लरी 500 ग्राम तक ऐड करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे हम पूरा पोर कर देंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इसे स्टीरिंग रॉड से मिक्स करेंगे। ये इजीली पानी के अंदर घुल जाएगी। अब हम हमारे दूसरे कंटेनर, जिसके अंदर 2 लीटर तक वाटर है, उसके अंदर हमारा कास्टिक सोडा 100 ग्राम तक ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसे पूरा डाल देंगे और इसे भी हम हमारी स्टीरिंग रॉड से मिक्स करेंगे अच्छे से। आप कास्टिक सोडा को सावधानी से यूज करें, क्योंकि वो आपके हैंड में इचिंग कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है। और इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। आप इसे यहाँ पर महसूस भी कर सकते हैं, यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है। जब भी आप कास्टिक सोडा को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो इस तरीके से हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास एक कंटेनर में है एसिड स्लरी का घोल और दूसरे कंटेनर में है कास्टिक सोडा का घोल। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब हम एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को दोनों को मिक्स करेंगे। इस तरीके से कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसे हम पोर कर देंगे। पूरा पोर करने के बाद हम कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी के मिक्सचर को मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके अंदर अब अदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हम अब इसके अंदर 100 ग्राम्स यूरिया डालेंगे और इसे फिर स्टर करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर TSP ट्राई सोडियम फॉस्फेट 80 ग्राम तक डालेंगे और फिर अगेन इसे मिक्स करेंगे। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा सॉल्ट, जो हमारी लिक्विड सोप की थिकनेस बढ़ाएगा और इसे एक हाई क्वालिटी का बनाएगा। आप देख सकते हैं लिक्विड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर, और देख सकते हैं काफी थिक हो गया है ये। और अब हमारा लिक्विड डिटर्जेंट लगभग तैयार हो चुका है। और लास्टली अगर हम इसके अंदर ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस कोई सी भी और एक कलर कोई सा भी। आप लेमन कलर, येलो कलर यूज कर सकते हैं अगर आपको येलो कलर का लिक्विड वॉश बनाना है तो, जिससे आपके लिक्विड वॉश को एक अच्छा कलर मिल जाएगा और वो मार्केट में ईजिली अच्छे से सोल्ड आउट हो सके। कलर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और आप देखेंगे आपके लिक्विड वॉश का जो कलर है वो येलो हो गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका लिक्विड वॉश येलो कलर का, तो ये मार्केट में बिकने के लिए भी तैयार हो गया है। और फ्रेग्रेंस डालने के बाद ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी देगा जब भी आप इसे यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक फ्रेग्रेंस। आप कोई सी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेमन फ्रेग्रेंस गिरने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो लिक्विड वॉश है उसके अंदर लेमन की खुशबू आए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो हमने हमारी लिक्विड वॉश के अंदर एक खुशबू भी ऐड कर दी है, एक कलर भी उसे प्रोवाइड कर दिया है और ये मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। लिक्विड बर्तन वॉश मिलता है जिस तरीके से हमारा मार्केट में विम प्रिल, बिल्कुल उस तरीके का हमने यहाँ पर प्रोड्यूस करा है हमारा लिक्विड वॉश। अगर आप इसे आज बनाते हैं तो आप 24 आवर्स तक का वेट करें और कल इसकी फिलिंग करें। आप इस तरह की बॉटल में इसको फिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये 10 रुपीज की बॉटल पड़ेगी आपको और इसके अंदर मटेरियल भी 10 रुपीज का ही पड़ेगा ऑलमोस्ट, तो 20 रुपीज में आपका ये लिक्विड बर्तन वॉश तैयार हो जाएगा। और मार्केट में जो ये विम लिक्विड की बॉटल पड़ती है ऑलमोस्ट 100 रुपीज की, और अगर आप इसका बिजनेस करें और 60 रुपीज तक भी सोल्ड आउट करें तो आप इसके अंदर 3 गुना मुनाफा तक कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही मुनाफे का बिजनेस है, तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस कर सकते हैं और जो लोग खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं एक हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट लिक्विड बर्तन वॉश। तो फ्रेंड्स, पैकिंग के बाद हमारा लिक्विड वॉश बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो कि बहुत ही औसम है, बहुत ही थिक है। आप देख सकते हैं फ्रॉथ भी काफ़ी अच्छे हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज आपके पास आते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।